अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये देखें, आज जी हमने करना है अपने बालों को रूट टचअप। और रूट टचअप करने के बाद तैयार श्यार होके तो मैंने जाना है बाजी की तरफ। आज उनके जो हैं इंस्टा के कितने थे, 300, और यूट्यूब के 200K की जो है सेलिब्रेशन है। तो यार देखो, ए होंदा जे रूट टचअप। तो चलो फिर शुरू करिए काम। देखें ये कट है बाजी की, वो क्या कहते हैं सेलिब्रेशन का केक। तो अभी ये मैं लेके जा रही हूँ बाजी दा। 300K अद्धा मेरे को ला अल्लाह गया 300K मेरी तरफ आ गया। चलो भाई ये डाल दो इसके चलो अंदर। चलो बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। तो शुक्रिया ताडा सारेयां दा जो इस केक के ऊपर आए हैं। देखो ताड़े विचों कौन कौन सी 200 में। लास्ट वाला जो है ना वो तो कहता होगा मेरी वजह से हुआ है। 300 वाला कहता होगा मेरी वजह से हुआ है। उन्हें किसी ने पता है लास्ट से है कौन सी। चल ये देखो बाजी खड़ी चलो हुई। हिना को देने लगी हूँ केक। मैं तो क्या सी, कल ही आए थे, कल हमने काटना था, तो कल जो है कल की होया सी, कल हाँ संडे। कल हाँ फिर असी भी लेट हो गए ना, असी लेट ते आए, वो दुकाना बंद 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 सन संडे दुकान। अज जे कल नहीं सी हाय हाय नहीं पता, नहीं तो पता ही लगता कहने केड़ा है क्या कर। कल था एक सेकंड, गली सैटरडे। का ढक्कन कौन नहीं सी, ये ढक्कन है है सी ऐसी, है ऐसी है सी ढक्कन का। ढक्कन, वेखो हाँ कितने जे। वो ये इसका नहीं है, ये इससे छोटे वाले का। आहो तो छोटा वाला तो मेरा कार है। ये आहो मैंने ये दोनों दे दिए थे ना ये खाना दोनों मुझे दे कोई। दिए थे मामा ने, ये मेरे हाँ पास थे भांडे दोनों। हुण ढक्कन कितने जे एक दा ढक्कन साढ़े अपने ढक्कन नहीं लाभ, तेरा ढक्कन लग पा दे दो बस है। इसे अपनी शैवा लाभ जन बड़ी गल है। तू आप सही है। ये उत्ते उंज कोई शै ला दो, फिर पेपर शेपर कोई कागज ला दो, वेख चल ले वे जरा केक दा की बनाया ने बुर्ज खलीफा। आज जी मैंने पहनना है ये वाला सूट, ये देखें, ये मैं पाकिस्तान से पहन के आई थी। ये मेरा सोबिया नज़ीर का है, ये इसका फ्रंट है। बैग दिखाती हूँ ठहरा, ये है इसकी बैग, ये देखें। मुझे बड़ा पसंद था, बाजू इसके जो है ये इस तरह से बने हुए हैं, और ट्राउज़र भी टेलर ने इसी तरह से बनाया हुआ है। ये इसका दुपट्टा है ये देखें, और इसका जो ट्राउज़र है वो मैं दिखाती हूँ। और ये देखें जी, ये ट्राउज़र बना हुआ है, लेस देखें कितनी ज़बरदस्त लगी हुई है। देखो ये ट्राउज़र है इसके साथ। तो आज मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं, इनको करते हैं चल के इस्त्री, थोड़ी कलफ लगा के, कलफ वाली स्प्रे है ना वो वाली। और मैं जी तैयार श्यार होके बाजी की तरफ आई। यहाँ पे बाजी की जो थी यूट्यूब के जो थे 200, और इंस्टा के 300K की जो वो थी आज सेलिब्रेशन। तो देखें फिर, केक बड़ा वधिया, है ना केक फ्रेश पहला ना सारे है चॉकलेट वाला सी, फिर मैं क्या नहीं ना, बच्चों ने भी खाना ते वो ऐ ही बना लेने हो, यही अच्छा है। फ्रेश तो ठंडा भी है आहो फ्रिज में पिया सी ना। ना। आहो आहो इनो इनो बंद करके हाँ मैं हाई फोन फोन नु लग गया रे केक। चल कोई नहीं मैं केड़ा नु खा जा खा जा। तो ये है हमारा केक, तो बस ना, ये है हमारा केक ये है हम और ये है हमारा केक। ना। अभी इसको हम करेंगे बंद। हाथ से किता जी मुठिया ते, मुठिया नु किता ए नी आहो लिपस्टिक लगी सी हाय ऊपर हाय ये पकड़ा रहा ढक्कन तुसी उंगलियां ना लिपस्टिक लाई है आहो मैं मुझे लगा पता नहीं सड़े रहे चल हाथों हाथों से, इधर स्टीम पे है कि सड़ आहो गए आहो पता नहीं लगता हमने चार चार तो लिपस्टिक लगाई होती है। गलती से हाथ चला जाए ले होंठों के पास के मैं हाँ यार आहो भाई हाँ गलती से हाथ लग लो जाए तो मैं कहनी आगे कहनी मैं तो थोड़ी तो लिपस्टिक लगी। मैं क्या अच्छा आहो इतने लगी सी सारी थोड़ी तो लिपस्टिक मैं क्यों मैं आम खाता सी ना, आपको पता है ना आम बड़ा खाया जाता है बड़े खुले डुले तरीके से आम, तो जब आम खाया जाए तो आपके हाथों के बिल बढ़ जाते हैं, आपके मुंह पे भी लग आहो जाते हैं। नहीं है वेखा है कीड़ है नहीं स्किन भैणा लगी ए मेरे हाथ इन्ने नाजुक हो गए ने पाकिस्तान जाके भांडे ते मैं धोते नहीं ना, इतने आ गया नहीं बुरश फेरी दा फर्श दे उत्ते, आहो आहो नहीं दे मैं आ गई नाले फेरिया उधर और मेरी छाला मछाला बन गया। बन गया आहो ते आहो एडे ते मेरे हाथ नाजुक हो गए ना बेड़ा तर गया। मैं क्या इन्हां दा ते बस नहीं सी चलदा है पर मैनूं जार दे विच हांडी रोटी फड़ा छड़ दे पका के लिया जदर मैं आई हूं ना चौल मैं आके आप ही पकाए सन ते मैनूं इन्ना रोना आया मैं क्या वेसे सही मेरे नाल की कीता। तो बस जी बाजी के घर से फिर वसीम ने और बच्चों ने मुझे पिक किया। तो देखें अब हम कहाँ जा रहे हैं।
आज बच्चों को लेके हमने उधर जाना था, कल जरा लेट हो गए, कल हम जा नहीं सके जहाँ जाना था। आज जा रहे हैं, न्यू जगह है, वहाँ का फूड ट्राई करेंगे और आपको देंगे फूड रिव्यू। तो बस इस वीकेंड पे मैंने घर पे नहीं होना, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड किया जाए, मतलब कि जो कमिंग वीकेंड आ रहा है वो वाला। ये देखिए नसीम साहब गाड़ी चलाते हुए, बहुत ही सीरियस, ऐसे सीरियस होके गाड़ी चलाई जाती है। क्या आना चाहिए, मोटरवे तो सीरियस ही रहना चाहिए। हाँ, मोटरवे पे कोई मजाक मस्ती नहीं, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द मोटरवे। सफर हमारा अच्छा जा रहा था और बच्चे पीछे बैठ के कोई गेम खेल रहे थे अपनी ही। इसने क्या किया, कितना बुरा ओवरटेक किया देखे, मुझे रास्ता दिया नहीं है इसने और यहाँ से एकदम जंप करके अब उस लेन में चला गया। गाड़ी चलाते ना कई लोग। बस जी हम पहुंच गए सलाव, बस 9 मिनट ने हमारी जो डेस्टिनेशन है जिससे ऐसे जाना है बस 9 मिनट। और वेदर बड़ा अच्छा है सलाव का माशाल्लाह, हमारे राइडिंग में तो धूप थी, इधर बादल है। यहाँ बड़ा अच्छा ना ही स्कूल कूल सा लग रहा है, हवा भी चल रही है माशाल्लाह से, गुड है। पापा गाड़ी में, ये पापा गाड़ी में भी है। ये देखिए ये मेरा फुल ड्रेस है, ये सोबिया नज़ीर का है, ये जब मैं लास्ट ईयर आई थी ना पाकिस्तान से वसीम बीमार हुए थे तब मैंने ये वाला पहना हुआ। आ जाओ भाई। तो बस जी आज वसीम की वॉकिंग स्टिक जो थी वो हम लोग घर भूल गए, तो बस जल्दबाजी में हो जाता है कई दफ़ा ऐसे। तो मुझे याद आया, मुझे ना वसीम की अम्मी ने एक दफ़ा बात बताई कि ये सब बहन भाई कहीं जा रहे थे तो वसीम की एक खाला को घर ही भूल गया, आधे रास्ते जाके याद आया फिर ये लोग वापस आए। तो ये है जी टेक आउट, तो आज हम यहाँ पे आए हैं। तो बस हमारा काफ़ी दफ़ा प्लान बना यहाँ पे आने का, लेकिन हर दफ़ा जो था ना कुछ हो जाता था, बीच में वसीम की तबीयत ख़राब होगी, फिर कभी किसी बच्चे को चोट लग जाती थी, तो बस उसी वजह से हम लोगों का कैंसिल हो जाता था। तो बस फिर आज हमारे यहाँ पे टेबल बुक थी, तो आज यहाँ से खाएंगे खाना। और बड़ा अच्छा था इनका सिटिंग एरिया भी, और इनका यहाँ पे छोटा सा प्ले एरिया भी था बच्चों का। तो ये जो स्टेक आउट है इसकी और भी ब्रांचेज हैं पूरे यूके में, आई थिंक 11 ब्रांचेज हैं जो कि मैनेजर ने हमें बताया था। और ये जो अकाया लाउंज है ये उन्हीं का बिजनेस है, ये वाला भी उन्हीं का रेस्टोरेंट है, मतलब कि सेम ओनर है स्टेक आउट का और अकाया लाउंज का। और हम लोग शाम के टाइम गए थे और काफ़ी बिजी था, अभी भी लोग आ रहे थे, टेबल्स जो थी हमारे बैठे बैठे वहीं पे बुक हो रही थी। और यहाँ पे जी बच्चे खेल रहे थे और खूब खेल रहे थे, मैं कहा चलो खेलो चंगी तरह ताकि तानू चंगी भुख लगे, तो इको वारी इतों ही खा के जाइए, मैंने तो घर में कुछ नहीं बनाया हुआ। और यहाँ पे जी मैं और वसीम साहब हम बिज़ी थे देखने के लिए कि क्या खाना, ये देखें स्टेक आउट। तो म्यूज़िक था यहाँ पे थोड़ा लाउड था, इस वजह से मुझे ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि फिर जो है ना कॉपीराइट का इशू आ जाना है। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो थी वो हमारी आ चुकी थी, खाना हमने ऑर्डर कर दिया हुआ था, तो बस यहाँ पे बैठ के हो रही थी खाने की वेट। मतलब वो मॉकटेल जी वन और मेन्यू में इनके काफी कुछ था, बर्गर थे और भी बच्चों के लिए फास्ट फूड भी था, लेकिन ये था जी स्टेक आउट। तो हम तो खाने आए थे यहाँ पे स्टेक, तो सबका जो है वसीम ने स्टेक ही ऑर्डर किया, बच्चों का जो था वो मतलब के स्मॉल था, मेरा और वसीम का जो था वो लार्ज साइज में था और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। साथ में इसके हमने किए फ्राइज किए, मैश पोटैटो किए और मशरूम सॉस वो हमने इसके साथ की, और कोल्सलो वो भी हमने साइड पे इसके साथ मतलब कि ऑर्डर किए थे, ये सारी चीज़ें। और अब मुझे हर वीडियो में बताना पड़ता है कि फ्रंट कैमरा ऑन है तो मैं राइट हैंड से खा रही हूँ, पर आपको लगेगा कि मैं लेफ़्ट से खा रही हूँ,
तो मैं लेफ्ट हैंड से नहीं खा रही होती, मैं राइट हैंड से खा रही होती हूँ। तो स्टाफ जी इनका बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बहुत कोऑपरेटिव, बार बार आके पूछते थे। स्पेशली यहाँ पे मैं रोशनी का नाम मेंशन करूँगी, जिन्होंने हमें फूड सर्व किया वहाँ पे, बहुत ही अच्छी थी और बड़ा उन्होंने ख्याल रखा हर चीज़ का। ड्रिंक टाइम पे आई, खाना जो था वो टाइम पे उन्होंने हमें सर्व किया, मतलब कि हमें किसी चीज़ के लिए भी उनको बार बार बुलाना नहीं पड़ा। और फूड जी माशाल्लाह इनका बहुत ज़बरदस्त था, स्टेक बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था, बच्चों को भी बड़ा पसंद आया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग भी जो हैं फूड रिव्यू दीजिएगा कि कैसा लगा था। और यहाँ पे अनम की और जैनब की फिर ये इनकी ड्रिंक्स आई जो कि इन्होंने एंड पे ऑर्डर की थी कि खाना आ जाएगा, तो फिर तो ये जो आइसक्रीम थी ये यहाँ पे मैनेजर ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो है आइसक्रीम हम लोगों को जी उन्होंने पेश की और बहुत ज़बरदस्त थी। दो फ्लेवर्स थे इसमें, एक तो ओरियो वाला था, दूसरा जो था वो स्ट्रॉबेरी वाला था, बहुत मज़े का था, बच्चों ने माशाल्लाह से खूब इंजॉय किया। तो बहुत अच्छा था खाना, आप भी आए विजिट करें और स्टेक यहाँ का जरूर ट्राई कीजिए। है जी रोशनी, जिन्होंने हमें फूड सर्व किया था, बड़ा अच्छा था स्टेक इनका, एक्सीलेंट था, जरूर आए और स्टेक आउट को विजिट करें। और यहाँ पे थे जी इनके फ्रेश आइसक्रीम के फ्लेवर काफी ज्यादा थे माशाल्लाह से। खाना शाना खा के जी हम लोग निकले खैर से, और स्टेक आउट वालों ने हमें 50% जो था ऑफ दिया एज ए व्लॉगर, जिनका बहुत शुक्रिया। और बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी जाएं स्टेक आउट पे और वहाँ का जो फूड है ज़रूर ट्राई करें, आप सबको अच्छा लगेगा, स्पेशली आपके बच्चों को अगर स्टेक पसंद है तो उनको बड़ा पसंद आएगा। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह से, खूब इंजॉय किया। अच्छा लगता है जिस दिन वसीम की तबीयत ठीक हो तो दिल करता है बाहर निकलने को। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आने वाला हर दिन हमारे लिए खैर वाला और आफियत वाला साबित करें, हमारे हक में अल्लाह पाक बेहतर करें। तो चलें जी फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में, दुआओं में याद रखें। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।